क्या आपको पता है कि एक एड जिसने बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी की जिंदगी को बदल दिया और रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। अभिनेत्री बड़े पर्दे पर एक्टिंग से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना चुकी हैं। आज हम एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज उन्हीं का जन्मदिन है। आज हुमा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हुमा कुरैशी ने बॉलीवुड के अलावा साउथ के फिल्मों में भी अपना परचम लहराया है। फिल्मों में अलग अलग किरदारों में हुमा कुरैशी को सिनेमा में खास पहचान दिलाई है। बता दें कि उनका जन्म दिल्ली में 28 जुलाई 1986 में हुआ। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि हुमा मशहूर रेस्टोरेंट चेन के मालिक सलीम की बेटी है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई करने के बाद थिएटर से जुड़ गई। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने कई एड्स में भी काम किया है। बता दें कि एक मोबाइल कंपनी का एड करते हुए फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की हुमा पर नजर पड़ गई, जिसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई और वो रातों रात स्टार बन गई। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुमा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और पूरी तरह से छा गई। इन्हें इंडस्ट्री में अभी एक दशक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शकों के बीच मशहूर जरूर हो चुकी हैं। हुमा शुरू से ही फैंस के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। बॉलीवुड के अलावा हुमा तमिल फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाना चाहती थी, लेकिन फिल्म बनने में देरी की वजह से उन्होंने इसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गईं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हुमा कुरैशी डीडे डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी 2 और काला जैसी कई शानदार फिल्मों में नजर आई। इसके अलावा वो एक वेब सीरीज लैला भी कर चुकी हैं। सिर्फ हुमा ही नहीं, उनके भाई साकिब सलीम भी एक्टर हैं, फिल्मी दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं। साकिब सलीम ने साल 2011 में बॉलीवुड में कदम रखा था। वो मेरे डैड की मारुति, बॉम्बे टॉकीज, टिशुम, दिल जंगली और रेस 3 में नजर आ चुके हैं। हुमा कुरैशी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनका नाम बॉबी जासूस एक्टर अर्जुन बाजवा संग जुड़ चुका है। इसके अलावा सलमान खान के भाई सुहेल खान संग भी उनका नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीमा खान और सुहेल खान के बीच दरार पैदा करने के पीछे हुमा का ही हाथ बताया जा रहा था, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री का हिस्सा होने के चलते ये उनके साथ ही नहीं बल्कि हर एक्ट्रेस के साथ होता है, दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो के साथ हाजिर थी मैं कंचन। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।